अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़े का एक्साइटिंग का सैटरडे का व्लॉग। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना सैटरडे किस तरह स्पेंड किया। बेसिकली ये वाला हर सैटरडे हमारी एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, एक्सेप्ट ग्रोसरीज़ तो वो तो मेन पार्ट होता है हमारा वीकेंड का। तो ग्रोसरीज़ का भी मैं आपको कभी वो वाला सैटरडे भी दिखाऊंगी। ये हमारा सैटरडे का जो शॉर्ट ट्रिप था, क्योंकि हमने काफ़ी आफ्टरनून में अपना ट्रिप स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गई हूँ बनिंग्स में। बनिंग्स से मुझे अपने इंडोर प्लांट्स के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। सो जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन्हें बेसिकली पता होगा कि बनिंग्स के है क्या। यहाँ पर बेसिकली आपको हर चीज़ मिल जाती है होमवेयर से रिलेटेड। आइदर वो पेंट्स हो, गार्डनिंग का सेक्शन हो, प्लांट्स यहाँ पे हर तरह के मिल जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि बीज तो मिलते ही हैं, लेकिन वो हम जो देसी लैंग्वेज में कहते हैं पनीरियाँ लगी हुई जो होती हैं प्लांट्स की, वो भी मिल जाती हैं यहाँ पे। अब ये देखें कि अब हम इस सेक्शन में आ गए हैं। ये बेसिकली जो है वो इंडोर और आउटडोर प्लांट्स का सेक्शन है। इस जगह जो ज़्यादा इंडोर आउटडोर प्लांट्स होते हैं वो लगे हुए मिलते हैं। इतनी प्यारी यहाँ पीस लिलीज थी, ऑर्चिड्स माई ऑल टाइम फेवरेट। पीस लिलीज भी बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ आ गई हैं, स्प्रिंग का सीज़न ख़त्म हो गया, तो पीस लिलीज जो हैं वो ज़्यादा स्प्रिंग में ग्रो करती हैं। यहाँ पे आपको प्लांट्स की तो बहुत वाइड रेंज मिल जाती है। जो कि प्लांट लवर्स हैं, जो कि गार्डनिंग लवर्स हैं, उनके लिए तो ये जगह जो है वो लिटरली हेवन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, होम वेयर से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। आगे मैं आपको बताऊँगी। ये फर्टिलाइज़र्स हैं, ये हम देख रहे थे। ये फ्लावर्स, वेजीज, फ्रूट्स एंड प्लांट्स हर तरह के लिए 5-in-1 था ये। ये सॉइल मिक्स है, तो बेसिकली ये होता है, इनसे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको अलग से खाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बनी बनाई आपको यहाँ ऑर्गेनिक खाद भी मिल जाती है अपने पौधों के लिए। ये मैं आपको पूरा बारबेक्यू का सेक्शन दिखा रही हूँ। यहाँ पर कोयले मिल जाते हैं, बारबेक्यू की एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं। बनिंग्स जो है ना, ये बहुत एक ह्यूज वेयर हाउस है। तो कभी अगर आपको इसका डिटेल में टूर देखना हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल में इसका टूर कराऊंगी। स्पेशली वो लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा बता दूंगी कि बनिंग्स आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ से आपको पेंट्स मिल जाते हैं, अगर आपके घर की कोई चीज़ ख़राब हो गई है, टूट गई है, वो मिल जाती है। नेल्स मिल जाते हैं, दीवारों पे लगाने वाले नेल्स जो होते हैं जिन्हें हम कील कहते हैं। डिफरेंट हुक्स मिल जाती हैं। बहुत ये ह्यूज स्टोर है। तो कभी मुझे अगर आपको इसका डिटेल में टूर देखना हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं आपको यहाँ बता रही थी कि यहाँ पे आपको जो फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स और फ्रूट्स हैं उनके सीड्स भी मिल जाते हैं। ये सीड्स वाला पूरा सेक्शन है। इधर माशाल्लाह इतनी ह्यूज रेंज होती है ना कि नो वर्ड्स। अभी आगे मैं आपको फ़्लावर्स का दिखाऊंगी कि ऑस्ट्रेलियन फ़्लावर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो फ़्लावर्स यहाँ बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे फ़्लावर्स के बीज होते हैं। लाइक गार्डनिंग के सेक्शन में आके आपका दिल नहीं करता कि आप यहाँ से निकलें। तो सैटरडे हमारा जो है वो बनिंग्स में हमने इस तरह स्पेंड किया। उसके बाद हम शाम में कहीं इनवाइटेड थे फ्रेंड की तरफ, हम उनकी तरफ चले गए। उनके भी क्लिप्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हम डायरेक्ट आ गए हैं, घर गए, तैयार हुए, फ्रेंड की तरफ आ गए। हम लोग डिनर पे इनवाइटेड थे, तो ये उन्होंने बड़े मज़े का एक डिनर अरेंज किया था हमारे लिए, तो बहुत मज़ा आया। और हम हमेशा अच्छे फ्रेंड्स और अच्छी कंपनी में आप हमेशा जाके इंजॉय ही करते हैं, और हमेशा इनके साथ हमें बहुत मज़ा आता है। तो इन्होंने बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी और हर चीज़ एक से बढ़कर एक लजीज और मज़ेदार थी। इन्होंने कबाब थे, फ़िश थी, पालक चिकन था, मटन कोरमा था, मटन पुलाव था, सैलड था, और बहुत मज़े का खाना था। टेबल अरेंजमेंट आप देखें कितनी खूबसूरत और एलिगेंट, सिंपल सी येट मॉडर्न इनकी टेबल लुक लग रही थी। बहुत प्यारा लग रहा था, हमें बहुत मज़ा आया। खाना खा के उसके बाद मीठे की बारी आती है, तो मीठा भी इन्होंने बहुत मज़े का बनाया हुआ था। इसमें रसमलाई थी और ये सेवइयाँ थीं। उसके बाद हम गपशप करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। फिर मैंने इन्हें कहा कि चलें आप भी अपने गार्डन का थोड़ा सा टूर हमें दे दें, क्योंकि इन्होंने भी गार्डन में अपने अभी नए प्लांट्स लगाए हैं, तो वो हम इनका गार्डन देखने चले गए। तो इन्होंने भी अपने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इन्होंने भी अपने गार्डन में अभी नए प्लांट्स लगाए हैं। इनके पास गुआवा का ट्री था, लेमन था, कैप्सिकम थी, स्ट्रॉबेरीज थी, कीकम्बर्स थे,
काफ़ी ज़्यादा ही उन्होंने मार्शल आर्ट चीज़ें लगाई हुई थी। तो बस हमारा सैटरडे का जो दिन है वो इसी तरह ख़त्म हो गया। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।